Good morning, student. In the last class, we have covered the point organizing meaning and process. And in our today's class, we will start from importance of organizing. Organizing is a process which first of all identification and division of work, then departmentalization and assignment of duties, establishing reporting relationship in an organization. So today we discuss the importance. What is the importance of organizing? First of all, benefit of specialization. देखिए बेटा, आप लोग ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझिए कि ऑर्गेनाइजिंग में हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि सबसे पहले हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उसको डिवाइड कर देते हैं स्मॉल यूनिट्स में, है ना? ओके, और उन स्मॉल यूनिट्स को डिपार्टमेंट बना देते हैं, देन ड्यूटीज असाइन करते हैं. तो जब हमने डिपार्टमेंट की बात की, डिपार्टमेंटलाइजेशन, इट मीन्स हम जो है किस तरफ जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग जो है एक सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग जॉब है. एक डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है ऑर्गेनाइजिंग, जिससे हमें जब किसी पर्सन को हम ड्यूटी असाइन करते हैं तो वो उस वर्क को बार बार रिपीट करता है, तो स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है. वो उसी काम को बार बार कर रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो वो उस वर्क में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा वो पर्सन. और सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग ही एक ऐसा आपका कंसेप्ट है जो आपको क्या प्रोवाइड कराता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोवाइड कराता है. तो ऑर्गेनाइजिंग लीड टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब अमंगस्ट द वर्क फोर्स एंड दिस रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एज एनहेंस प्रोडक्टिविटी. जब हम डिपार्टमेंट वाइज काम करेंगे और उस वर्क को बार बार रिपीट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. हमारी काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, हम रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे. सो बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक वर्क परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक जॉब ऑन अ रेगुलर बेसिस, सेम थिंग अभी मैंने आपको समझाया, वही चीज़ यहाँ पर बोली है. स्पेसिफिक वर्क परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक जॉब ऑन अ रेगुलर बेसिस, repeated performance of the particular task allow a worker to gain experience in that area and lead to specialization. Okay, next one is clarity in a working relationship. हमने last में पढ़ा था कि organizing provide करता है establishing reporting relationship, means आपको एक formal line of authority provide कराता है, that is a scale chain. Unity of command आपका organizing में होता है कि कौन किसके जो है ऑर्डर रिसीव करेगा, रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली. और नेक्स्ट वन इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट वर्क अंडर वन सुपीरियर. तो आपकी क्लियरिटी आ जाती है वर्किंग रिलेशनशिप में, जिसने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई है, जिसने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसी को वो पर्सन अकाउंटेबल होगा, या जो है वही पर्सन उसे अथॉरिटी प्रोवाइड कराएगा. तो एक क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग के जो इम्पोर्टेंस यहाँ पर है कि हमें इस तरह का जो है स्ट्रक्चर तैयार करके देता है कि हमें क्लियर रहता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा. ओके, देन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाई लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाई हु इज टू रिपोर्ट एंड टू हूम. And this remove the ambiguity in a transfer of information and instruction. Clear होता है, मतलब कोई confusion नहीं होगा, remove कर देता है confusion. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको किसके अंडर में काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, किसने आपको अथॉरिटी दी है. तो इससे क्लियर रहता है, कोई भी ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन गैप नहीं क्रिएट होता है या कम्युनिकेशन गैप क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि हमें क्लियर वर्किंग रिलेशनशिप पता होता है. और वो हमें कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनाइजिंग से मिलता है. इट हेल्प इन क्रिएटिंग द हायरार्कल ऑर्डर, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया स्केलर चेन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हायरार्कल ऑर्डर. नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजिंग लीड टू प्रॉपर यूजेज ऑफ ऑल मटीरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ऑब्वियस सी बात है कि हमने क्या किया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को डिवाइड कर दिया और डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया. अब जिस डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी
वो उसका ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेगा. इवन ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स, आप उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन कर रहे हो. भाई आपने उसको काम ऐसा दे दिया जो उसके एक्सपीरियंस उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो रिसोर्सेज की क्या होगी, वेस्टेज होगी. लेकिन आपने डिपार्टमेंट देखा, उस वर्क जो एम्प्लॉय की एक्सपीरियंस देखा, कैपेबिलिटी देखी, और आपको पता लगा कि हाँ नहीं ये इस डिपार्टमेंट में अच्छे से काम करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा. ऑर्गेनाइजिंग लीड टू द प्रॉपर यूजेस ऑफ ऑल द मटेरियल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स, अवॉइड द ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड ऑल्सो मेक द पॉसिबल बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स. हेल्प इन प्रिवेंटिंग कन्फ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट. मतलब रिसोर्सेज के वेस्टेज और एफर्ट्स को क्या है, प्रिवेंट करता है, मतलब उसे मिनिमाइज करता है और कन्फ्यूजन जो है उसको क्रिएट होने से रोकता है. तो ऑर्गेनाइजिंग में ही आपको ये सारी चीज़ें हैं. अडाप्टेशन चेंज, इस पॉइंट को समझिए. आपके जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेंजेस लाने हैं, तो हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है. हमें ये देखना है कि किस पर्टिकुलर एरिया में उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम उस डिपार्टमेंट को इंट्रैक्ट करेंगे, उसमें माइनर से चेंजेस लाएंगे. हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो डिपार्टमेंट वाइज इजी होता है चेंजेस जो भी हो रहे हैं आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के कारण, जो कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़े थे कि हमारे इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट पहुँचाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके के. तो हमें ये देखना है कि हमारे पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट पर उसका जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम उसी में चेंजेस लेके आएंगे. द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ अ बिजनेस इंटरप्राइजेस टू एकोमोडेट चेंजेस इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी अ सुटेबली मॉडिफाइड एंड रिविजन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप अमंग दिस मैनेजरियल लेवल. अपने अपने लेवल में आप सेट कर लो. भाई मान लीजिए कि आपके पेट्रोल के रेट बढ़े, अब परचेज डिपार्टमेंट में हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि हमें रॉ मटेरियल मंगाना है या मशीनरीज खरीदनी है, तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा. तो हम उस हिसाब से स्ट्रेटेजी या उस हिसाब से उस परचेज डिपार्टमेंट में फंड अरेंज कराएंगे ताकि वो अपने इजली काम कर सके. इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द इंटरप्राइजेस. नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज. ऑब्वियस बात है, जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, प्रोवाइड कराते हैं. जब हम ड्यूटी असाइन करते हैं किसी कैंडिडेट को, किसी वर्कर को, तो हम उसको जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसे पता रहता है उसे क्या काम करना है. वो बार बार जाके किसी अनदर पर्सन से नहीं पूछेगा. क्लियर जो है विजन रहता है, क्लियर वर्किंग रिलेशनशिप रहती है, तो जॉब से रिलेटेड जो भी ड्यूटीज़ होती हैं वो ईजिली परफॉर्म कर लेता है आपका एम्प्लॉई या बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बोथ ग्रुप. तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ईजी हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं रहती है, किसको क्या समझाना है, किसको क्या चीज़ हैंड ओवर करनी है, एकदम क्लियर रहता है. दिस हेल्प टू अवॉइड कन्फ्यूजन डुप्लीकेशन एंड क्लैरिफाइज द वर्किंग रिलेशनशिप. मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस देयर बाय बिकम ईजी एंड दिस ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो आपके जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव वे में चलाने के लिए आपका ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी हेल्पफुल. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, अगेन फिर मैं आपको बताती हूँ. देखिए हमारे ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस से ही हमारे इम्पोर्टेंस जो है जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं. अब आपने क्या किया कि ड्यूटी असाइन कर दी, तो वर्कर को अपना काम पता है, ठीक है, और उस डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया. अब डिपार्टमेंट वाले या मैनेजर जो हेड है वो देखेगा कि वो वर्कर कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है. अगर उसको ऐसे लगता है कि वर्कर नहीं काम कर पा रहा है या बहुत अच्छा है, तो उसकी नॉलेज का आगे हम उसका बेनिफिट उसको भी दे सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं. अगर वो लेस एफिशिएंट है तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है, पर्टिकुलर जो है डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करके
और उसे नए तरीके के काम या नई स्ट्रेटेजी बनाना भी सिखाया जा सकता है। उसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क देके उसको डेवलप किया जा सकता है। वर्कशॉप लगाई जाती हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनाइजिंग में प्रोवाइड होती हैं, ठीक है, जिससे आपके पर्सनल का मीन्स आपके एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। जैसे इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउ द मैनेजर्स टू रिड्यूस देयर वर्कलोड बाय असाइनिंग रूटीन जॉब्स टू देयर सबॉर्डिनेट एंड रिडक्शन इन वर्कलोड बाय द डेलीगेशन अलाउ द मैनेजर टू डेवलप न्यू मेथड एंड वे ऑफ परफॉर्मिंग टास्क। डेलीगेशन ऑल्सो डेवलप इन अ सबॉर्डिनेट द एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद द चैलेंजेस एंड हेल्प देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है, तो आपका क्या है कि आपके जो है पर्सनल का डेवलपमेंट करना इजी हो जाता है, क्योंकि आपके उसको डेलीगेट कर रखा है, उसको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर रखा है, वो डिपार्टमेंट का हेड देखेगा कि उसे कैसे कंट्रोल करना है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आपने एक पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वैसे तो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, बट डिपार्टमेंटलाइजेशन में दो तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया गया, एक फंक्शनल और एक डिविजनल। तो जब हम जो है ऑर्गेनाइजिंग हमें चांस देता है कि हम मोर देन वन लाइन प्रोडक्ट को चूज कर सके और अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन और ग्रोथ कर सके। अगर हमें नई यूनिट खोली है कुछ है तो आप डिविजन स्ट्रक्चर पर स्विच ओवर हो जाओ, ठीक है, मोर देन वन लाइन प्रोडक्ट चूज कर रहे हो तो भी डिविजन स्ट्रक्चर पर चले जाओ, तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का चांस देता है आपका क्या ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय इनेबलिंग टू डेविएट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस एंड इट अलाउज द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू ऐड मोर जॉब्स पोजिशन डिपार्टमेंट ब्रांड्स एंड इवन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट एक्टिविटी। जो अभी मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिफाई भी कर सकता है, तो ऑर्गेनाइजिंग हमें प्रोवाइड करा रहा है, एक पाथ प्रोवाइड करा रहा है कि अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो एक्टिविटीज को, मोर देन वन लाइन प्रोडक्ट पे जा रहे हो, तो आप डिविजन स्ट्रक्चर को स्विच ओवर कर सकते हो, उस पर जा सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस रिमूव कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पीपल ओवर वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग एंड क्रिएट अ सुटेबल वर्क एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच, आज हमने इम्पोर्टेंस कवरअप किए हैं और हम नेक्स्ट क्लास में आपके जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच।